मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा, हरियाणा से। आज पता है मैं आप लोगों को कहां लेके आई हूं? जैसे सभी कम्युनिटीज़ के अपने अपने एक धाम होते हैं, ये हमारा अग्रवाल कम्युनिटी का धाम है, अग्रोहा धाम। जैसा कि मेरे नाम से ही सबको पता चलता है ना, पूजा बंसल। बंसल अग्रवाल कम्युनिटी में होते हैं। अग्रवाल्स में हमारे 18 गोत्र होते हैं, उसमें भी बंसल एक गोत्र है। तो हमारे जो गोत्र होते हैं, हमारे 18 गोत्र जो होते हैं, उनके लिए अग्रोहा धाम, जो हमारे महाराजा अग्रसेन जी का बसाया हुआ धाम है, नगरी है, आज मैं वहीं आपको लेके आई हूँ। और जिस जगह पे आज मैं खड़ी हूँ, उस जगह को बोलते हैं शक्तिपीठ। अग्रोहा शक्तिपीठ के नाम से ये जगह बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बनाई हुई है। आज मैं कोशिश करूँगी वीडियो में आपको थोड़ी सी ये जगह दिखाने की। और हमारे जो अग्रवाल, जिन लोगों ने इस पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, ना कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में नाम कमाया है, आज मैं उन लोगों के स्टैचूज भी आपको इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। मैं अपने वीडियो की शुरुआत ही यहाँ से करना चाहती हूँ कि हमने इस शक्तिपीठ पे कैसे कैसे इनके स्टैचूज बनाए हुए हैं। और एक मैं वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि महाराजा अग्रसेन जी और माता माधवी जी के नाम से यहाँ शक्तिपीठ पे एक अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। अन्न क्षेत्र मतलब एक भंडारा चलाया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। जो माता का ये भंडारा चलाया जाता है, यहाँ से लगभग 500-600 लोगों को खाना डेली अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी पहुँचाया जाता है। और इस जगह पे भी ऐसे लंगर, ऐसे भंडारा वो डेली चालू रहता है। और जो ये जगह है, बहुत शांति मिलती है। वैसे देखो, यहाँ पे हर बिरादरी का बंदा आ सकता है, लेकिन हम लोगों को तो स्पेसिफिक यहाँ आके वरदान जैसी फीलिंग आती है कि कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, जिससे कि बहुत सुकून मिल रहा है। महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर है, माता माधवी जी उनके साथ विराजमान है। एक यहाँ हमारा शक्ति सरोवर बना हुआ है, और मैं उनके फ़ोटोज़ आपके साथ में इसमें वीडियो के बीच में शेयर करूँगी। और एक अग्रोहा धाम, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को पूरे इंडिया में देखते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता अग्रोहा धाम है कहाँ। ये हरियाणा के अंदर है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट, दोनों के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है अग्रोहा। अग्रोहा एक कस्बा है, छोटा सा गांव होता था, लेकिन ये धाम बनने के बाद यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, बच्चों के घूमने के लिए पूरा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अब सिर्फ हरियाणा के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। यहाँ मेला भी लगता है हमारे अग्रसेन जी के बर्थडे पे, जयंती पे, तो वो सब मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। चलिए मैं उनके स्टैचूज आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके स्टैचूज यहाँ पे हैं, जिनमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं अग्रवाल कम्युनिटी से, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन्स हैं जिन्होंने टाटा बिग के, जैसे कि बिड़लाज हैं, तो कुछ यहाँ पे एजुकेशनिस्ट हैं, तो उनसे भी हम लोगों को पता चलता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, उन्होंने कितनी तरक्की की है। ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनमें कुछ सांसद हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं, तो सभी कैटेगरीज में सब लोग आगे हैं। इवन भाखड़ा डैम को बनाने के लिए भी इंजीनियर्स की जो टीम थी, इनमें से हमारे वो इंजीनियर भी हैं, तो जिन्होंने भाखड़ा डैम की प्लानिंग के अंदर पूरी हेल्प की थी। भाखड़ा डैम के निर्माता यानी बनाने वाले मेन लोगों में उनका नाम आता है, वो भी हरियाणा से ही हैं, तो उनका भी यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। तो बाकी आप स्टैचूज देख सकते हैं।
पद्म विभूषण तक मिला हुआ है ये हमारे लाला हंसराज जी गुप्ता है। वैसे तो मैं एक एक का नाम बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारे स्टैचूज हैं, बहुत सारे स्टैचूज यहाँ लगने से रहे भी हैं, बहुत सारों के लगने बाकी हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबके स्टैचूज हम यहाँ लगा पाएँ। तो आज हम डाइट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने धाम का दर्शन आप लोगों को करवा रहे हैं। मैं कुछ स्टैचूज आप लोगों को और भी दिखाना चाहूँगी। नंबर ऑफ स्टैचूज तो बहुत है लेकिन नंबर ऑफ पर्सन इससे भी कई गुना ज्यादा है। स्टैचूज तो बहुत कम लोगों के लगते हैं। ये विधायक है, ये जयपुर कोटपुतली से, ये मुखीलाल मोदी इनका नाम है, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। और इधर आगे भी बहुत सारे आप स्टैचूज देखते हैं, सबके नीचे उनके नेम, उनका सिटी नेम सब दिया हुआ है। भाखड़ा डैम के निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जिन्होंने पूरे उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, ये डॉक्टर सर गंगाराम जी हैं। गंगाराम हॉस्पिटल का नाम किसने नहीं सुना दिल्ली में, सब लोगों ने सुना। और आज भी वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा रनिंग में है, वो इनका बसाया हुआ है। वो भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं, बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। आज उनकी की हुई ये समाज सेवा हम सब के काम आती है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगी, लेकिन ये वीडियो आज मैं यहीं ख़त्म नहीं करूँगी। मैं अपने शक्तिपीठ को आप लोगों को दिखाऊँगी एक और वीडियो के, उसमें हम कह सकते हैं कि एक और इंस्टॉलमेंट, एक और उसका एपिसोड बाकी है। अभी ये फर्स्ट एपिसोड है और किसी दिन मैं आपको अग्रोहा धाम के भी दर्शन कराऊँगी। आज जैसे शक्तिपीठ है और आज मैं लेट हो गई हूँ, आज शायद हमारा धाम पर जाना नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।